योगी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए राज्य में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा लखनऊ के एक निजी होटल में प्रदेश और देश के तमाम हॉस्पिटल, पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए यूपी ग्लोबल प्री इन्वेस्टर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस संगोष्ठी कार्यक्रम में 10 से 15 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट टारगेट पर चर्चा की गई, साथ ही टारगेट पूरा करने के लिए इन्वेस्टर्स का आना सुनिश्चित किया जाएगा। समिट से पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हमने किया। हमने 10,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था। मेडिकल कॉलेजेज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेजेज, बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। आज 15,000 करोड़ से अधिक के हमें प्रस्ताव मिले हैं और मुझे पूर्व उम्मीद है कि फरवरी माह में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, बड़ी संख्या में निवेशक आएंगे और उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा और वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ हम देश और प्रदेश के लोगों को दे पाएंगे।